हेलो एवरीवन, हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए थे ठोस के बारे में कि ठोस को बांटा गया दो भाग में। पहला था क्रिस्टलीय ठोस और सेकेंड था अक्रिस्टलीय ठोस। दोनों को अच्छे से हम लोग देख चुके हैं बढ़िया से, और यहाँ से अब हम लोग चालू करते हैं क्रिस्टल जालक और त्रिबिंब जालक। यहाँ चालू करने से पहले मैं एक बात आपको और बोलना चाहूँगा कि पिछले क्लास में हम लोग क्रिस्टलीय ठोस को बांटे थे हम चार भाग में, यानी चार भागों में वर्गीकृत किया गया था। फर्स्ट था आयनिक क्रिस्टल, सेकेंड था आण्विक क्रिस्टल, थर्ड था सहसंयोजक क्रिस्टल और फोर्थ था धात्विक क्रिस्टल। ये चारों पॉइंट को हम लोग अच्छे से देख चुके हैं और समझ चुके हैं बढ़िया से, और आज ठोस अवस्था का जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं वो है क्रिस्टल जालक, जो क्रिस्टलीय ठोस का छोटा हिस्सा है, एक छोटा भाग है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बोलते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी छोटा हिस्सा है, यानी छोटा कण है। तो हम लोग पहले समझें कि क्रिस्टल जालक क्या है, इस कैसा देखने में होता है, ऐसा फिगर कैसा होता है। सबसे पहले आप लोग ऐसा करिए, कलम कॉपी साथ में लेकर बैठिए और साथ में पारिए। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, खाली पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन यदि एक बार मेरे साथ काम करिएगा तो आराम से फिगर आप पार लीजिएगा बाद में भी। चलिए पहले हम लोग इसे फिगर पारते हैं, साथ में फिगर पारिए। सबसे पहले हम दोनों तरफ लाइन खींचेंगे, पहले ये पार लीजिए, ये बड़ा खड़ा पार लीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ कलम धरेंगे, एक और लाइन खींचेंगे, ये हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पेन धरेंगे और एक और लाइन खींचेंगे, चलिए ये हो गया। और यहाँ हम लोग आराम से मिलाएंगे, इसको मिला दीजिए इससे और इसको यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ मिला दीजिए। ये तो सिंपल हो गया, आराम से पार लीजिएगा। अब यहाँ से मेन, यहाँ से ये खींचिए, और जो सबसे नीचे है उसको सबसे नीचे कर दीजिए, बीच वाले को बीच से मिलाइए, किनारे वालों को जो लास्ट है उसको ऊपर वाले से मिला दीजिए, और मिला के यहाँ पर ये तीनों को आपस में मिला दीजिए। यही काम यहाँ करना है, यहाँ पर तिरछा लाइन खींचना है, सबसे लास्ट में है, सबसे लास्ट में मिलाना है, ये मिला दिए। बीच वाले को बीच से मिलाना है, यहाँ मिला दिए, और जो सबसे लास्ट में है उसको मिलाना है फर्स्ट वाला से, ये मिला दिए। अब ये तीनों को आपस में जोड़ दीजिए, ये हो गया। ये फिगर किसका हो गया? ये फिगर हो गया क्रिस्टल जालक या त्रिबिंब जालक का, यानी ये फिगर हो गया क्रिस्टल जालक का। ये जो फिगर हम पा रहे हैं ये कैसा है? काल्पनिक है। कैसा है? काल्पनिक है। अब ध्यान देना, ये फिगर तो इतना बड़ा पड़ गया है, लेकिन इतना बड़ा जो फिगर बना है किसको मिलने से बना है? आखिर में ये फिगर किसको मिलने से बना है? यदि यहाँ यदि छाटते हैं छोटा भाग में तो कुछ ऐसा पार्ट निकलता है, ध्यान देना जी, कुछ ऐसा पार्ट निकलता है जो हम लोग बात समझ सकते हैं। सबसे छोटा हिस्सा निकल रहा है जो मिल के बना है, मिल्क निर्माण हुआ है, ये हो गया। और यहाँ से ये हो गया, देखो ये जो एक भाग दिखाई दे रहा है ना, एक भाग, इसी को नाम है एकक सेल। इसका नाम क्या है? इसी का नाम है एकक सेल, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग यूनिट सेल। यानी कहने का अर्थ हुआ ना कि क्रिस्टल जालक का निर्माण जो हुआ है एकक सेल के कई संख्या को मिलने से हुआ है। किसका निर्माण हुआ है?
क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ है। यहाँ पर एक भाग दिखाई दे रहा है, एक सेल, एक अंदर है और भी अंदर होगा, एक यहाँ है, यहाँ है, फिर ऊपर देख लीजिए दो भाग ऊपर है, दो भाग इधर है, यानी इसका सबसे छोटा भाग क्या होता है, यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे क्रिस्टल जालक को, आखिर में क्रिस्टल जालक कहते किसे हैं। तो हम लिखे हैं कि त्रिबिंब में नियत बिंदुओं का नियमित तंत्र जिसके चारों ओर परमाणु अणु या आयन एक क्रिस्टल में कंपित करता है, क्रिस्टल जालक या त्रिबिंब जालक कहते हैं। सोचने की बात है, जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम लोग ये फिगर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि परमाणु अणु या आयन कंपित करेगा कुछ। इसमें हम लिखे हैं तीन पॉइंट। पहला पॉइंट है, यह क्रिस्टलीय ठोस का सबसे छोटा हिस्सा है। देखो जी, क्रिस्टल जालक क्रिस्टलीय ठोस का सबसे छोटा भाग है, यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल। किसका? क्रिस्टलीय ठोस का सबसे छोटा कण है। कौन सा है? क्रिस्टल जालक है। और क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा हिस्सा क्या है? एकक सेल है। हम पहले बोल चुके हैं कि एकक सेल की कई संख्या को आपस में मिलने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, और क्रिस्टल जालक कोई संख्या को मिलने से क्या बनता है? क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण होता है। देखते हैं सेकंड पॉइंट, क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु एक अभिअभी कण को निरूपित करता है जो एक परमाणु अणु या आयन हो सकता है। अब देखो, क्रिस्टल जालक में जितना प्रत्येक बिंदु, जितना बिंदु है, एक अभिअभी कण को निरूपित करता है जो परमाणु होगा या अणु या आयन हो सकता है। थर्ड पॉइंट, जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु अथवा जालक स्थल कहलाता है। देखो जी, तुमको पता है कि परमाणु का आकार होता है गोलाकार, अब बीच में सेंटर है, न्यूक्लियस है, सेंटर हो गया, केंद्र हो गया, केंद्र को बोलते हैं जालक बिंदु, बिंदु दिखा रहा है ना, इसको बोलते हैं जालक बिंदु, और जितना किनारा में से बोलते हैं जालक स्थल। अब हम लोग यहां से बात करेंगे किसके बारे में? एकक सेल के बारे में, एकक सेल के बारे में। अब हम लोग काम करते हैं एकक सेल के बारे में, यानी एकक सेल, जैसे बोलते हैं यूनिट सेल, यूनिट सेल। चलो थोड़ा ध्यान देना आप लोग। देखो, इसे हम लिखेंगे कि एकक सेल क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा हिस्सा है, यानी एकक सेल क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा हिस्सा होता यह है, ठीक है। अब देखते हैं फिगर एकक सेल का कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। ये हो गया, अरे आप लोग देखो लिडो के पास आ, उसी का नाम है यूनिट सेल। ये हो गया, इसे हम बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं? घन। इसे बोलते हैं लिडो के पासा, यही ना, लिडो पासा, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है यूनिट सेल। फिगर किसका है? ये फिगर है यूनिट सेल का, यानी एकक सेल का ये फिगर हो गया। पहले ही बता चुके हैं कि क्रिस्टलीय ठोस का, क्रिस्टलीय ठोस का सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा हिस्सा क्या होता है? क्रिस्टल जालक। क्या होता है? क्रिस्टल जालक। और इसका छोटा भाग, यानी इसका सबसे छोटा हिस्सा होता है एकक सेल, एकक सेल होता है। अब ध्यान देना, क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक और एकक सेल का गुण समान होता है, यानी बराबर होता है, यानी जो गुण होगा एकक सेल का वही गुण होगा क्रिस्टल जालक का, वही गुण होगा क्रिस्टल जालक का। क्रिस्टल जालक बनाने में, क्रिस्टल जालक बनाने में एकक सेल का कई संख्या
जुड़ी हुई होती है। पहले बता चुके हैं कि एकक सेल का कई संख्या को आपस में मिलने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। यही बात यहाँ लिख दिए हैं, क्रिस्टल जालक बनाने में एकक सेल का कई संख्या जुड़ी हुई होती है। अब हम लोग यहां से देखेंगे कि एकक सेल को बांटा गया है दो भाग में। इसका आप चाहे नोट कर लें वीडियो को यूज करके, या आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, क्यों मिटा रहे हैं इसको हम। अब यहां से एकक सेल को बांटा गया है दो भाग में। पहला है आध या अभाज्य एकक सेल, यहां से बांटा गया है इसे दो भाग में। पहला है आध या अभाज्य एकक सेल, इसे बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेकेंड पॉइंट है, ये हो गया आध या अभाज्य, और एक और होता है केंद्रित एकक सेल यानी सेंटर्ड यूनिट सेल, केंद्रित एकक सेल। चाहे इसी को हम बोल सकते हैं इंग्लिश में सेंटर्ड यूनिट सेल। पहला क्या है, पहला है आध या अभाज्य एकक सेल, इसे बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेकंड पॉइंट क्या है, केंद्रित एकक सेल यानी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसी को हम बोल सकते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसे बोलेंगे प्रिमिटिव, इसे बोलेंगे नॉन प्रिमिटिव। अब दोनों को हम डिफाइन करते हैं बढ़िया से, दोनों में अंतर है। इसमें हम लिखेंगे कि अभाज्य एकक सेल में या अभाज्य एकक सेल वह प्रकार का है या वह होता है जिसके प्रत्येक कोना पर एक बिंदु रहता है। लिखेंगे हम लोग कि अभाज्य एकक सेल वह है जिसके प्रत्येक कोना पर, प्रत्येक कोना पर, प्रत्येक कोना पर एक बिंदु रहता है, प्रत्येक कोना पर एक बिंदु रहता है। फिगर पारेंगे यूनिट सेल का, ये फिगर हो गया यूनिट सेल का। इसमें ये कोना हो गया, ये मिला दीजिए इसको, ये बन गया एकक सेल यानी यूनिट सेल। जहां जहां कोना दिखाई दे रहा वहां क्या है, एक बिंदु है यानी एक परमाणु है या अणु या आयन है। यदि बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल तब परमाणु अणु आयन कहां रहेगा, सिर्फ कोना पे, कहां रहेगा कोना पे, इसे हम बोलते हैं कॉर्नर। इसमें लिखेंगे, इसमें हम लोग सिंपल लिखेंगे कि जिसमें प्रत्येक कोना के अतिरिक्त जगह पर भी एक बिंदु रहता है, लिखेंगे जिसमें प्रत्येक कोना के अतिरिक्त, प्रत्येक कोना के अतिरिक्त जगह पर बिंदु रहता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि यदि प्रिमिटिव यूनिट सेल है तो इसमें बिंदु होगा, कण कहां होगा, सिर्फ कोना पर होगा। यदि बोलेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, हां बिंदु या कण रहेगा, कोना के अतिरिक्त जगह पर भी रहेगा। एग्जांपल लेते हैं फिगर साथ, ई हो गया यूनिट सेल का फिगर, ई हो गया फिगर यूनिट सेल का, ई कोना है, ये सब क्या है, कोना है, ये हो गया कोना यानी कॉर्नर। ये क्या है, फलक है ना यानी फेस है ना, अरे लिडो में के फलक, छह फलक,
इसे बोलते हैं फलक यानी फेस। लीडो देखा ना, जे कि एक दो तीन चार पाँच छः लिखा रहता है, एक कहाँ लिखा हुआ है? फलक पे, यानी एक से छः लिखा हुआ है, फलक है ना, छः फलक होता है। और ये बीच में क्या है? यही तो केंद्र है। ये क्या है? केंद्र है यानी बॉडी है। इसे बोलते हैं अंतः केंद्र, यानी लिखा है निमन से लिखेंगे हम लोग अंतः केंद्र। इसे बोलते हैं बॉडी, इसको हम बोलते हैं बॉडी। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। नाली का प्रकार यानी एकक सेल में उसके हरेक कोण लंबाई और अक्षीय कोण के तौर पर देखते हैं। क्रिस्टल प्रणाली का प्रकार, देखो यार, क्रिस्टल प्रणाली का प्रकार कोर लंबाई और अक्षीय कोण के आधार पर, कोर लंबाई और अक्षीय कोण के आधार पर यानी एज लेंथ और एक्सियल एंगल के आधार पर। ये हो गया एक एक्सियल, ये भुजा ए हो गया, ये बी और इसको सी मान लिए हम, तो ए बी और सी क्या है? किनारा लंबाई, ऐसे बोले कोर लंबाई बोलिए, बात क्या है? बराबर है, एक किनारा ना है। अरे घन में कितने किनारा? एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह किनारा ना, कितने किनारा? बारह किनारा। तो हम मान लें कि इसको ए, इसको बी, इसको सी मान लिए हैं। अभी इसको ले लिए हम एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। ये हो गया एक्स अक्ष, ई हो गया वाई अक्ष, ई हो गया जेड अक्ष। इसको ले लिए हैं कोण अल्फा बीटा गामा, यानी अल्फा बीटा और गामा, इसे बोलते हैं अक्षीय कोण। और कोण लंबाई और अक्षीय कोण के आधार पर अभाज एकक सेल को बांटा गया है सात भाग में। कितने भाग में? सात भाग में। सबको अलग अलग डिफाइन करते हैं सातों को। क्रिस्टल तंत्र, इसमें सात को लेंगे हम लोग, अच्छी दूरियां या कोर लंबाई से बोलते हैं, और ये अच्छे कौन हो गया? ये हो गया विविधताएं, कि कहां कहां कण यानी कहां कहां परमाणु अणु और आयन हो सकता है, ये बताएगा कौन? विविधताएं बताएगा। फर्स्ट में है घनीय यानी सिंपल क्यूब, घन जी सिंपल क्यूब। इसमें ए बराबर बी बराबर सी, तुम्हें पता है कि घन में प्रत्येक भुजा आपस का होता है, बराबर होता है, आपस में बराबर होता है। तो ए भुजा है, बी भुजा है, सी भुजा है, सब कोण लंबाई है, सब क्या होगा आपस में? बराबर होगा। जब आपस में बराबर है तो अल्फा बीटा गामा का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और ये कहां कहां रहेगा? आधे। जब भी हम बोलेंगे आध या अभाज, आधे तो समझ लेना कि आध मीन्स परमाणु कहां है? कोना पर। कहां है? कोना पर है, क्योंकि आध मीन्स होता है कोना यानी कॉर्नर। और कहां रहेगा? अंत केंद्रित यानी बीच में, यदि घन के जो बीच में एकदम केंद्र में है उसे बोलते हैं अंत केंद्र। अब बात रहा फलक केंद्र का, तब फलक छ गो ना, एक दो तीन चार पांच, एक इधर को छ, छ फलक हो गया। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट घनीय सिंपल क्यूब। सेकंड में है द्वि समलंबाज यानी टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। इसमें ए भुजा बी भुजा का बराबर होगा साइज, लेकिन सी बराबर नहीं होगा। और अच्छे कोण में अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा का मान कितना होगा? 90 डिग्री। यदि इसमें लेते हैं विविधताएं, तो आध मीन्स कोना और अंत केंद्र मीन्स बीच में, अंत केंद्र मीन्स बीच में यानी घन के बीच में यानी एकक सेल के बीच में, उसे बोलते हैं अंत केंद्र, बोलते हैं बॉडी, बोलते हैं अंत केंद्र बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है विषम लंबाज, थर्ड पॉइंट है विषम लंबाज यानी ऑर्थोरोम्बिक, यानी भुजा ए बी सी कोई बराबर नहीं होगा, यानी ए डज नॉट इक्वल टू बी, डज नॉट इक्वल टू सी, लेकिन अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर कितना होगा? 90 डिग्री होगा। इसमें आएगा आध मिस कोना पर, अंत केंद्र मिस बीच में, और फलक मिस वही फलक छह फलक, और अंत्य केंद्रित। ई बात समझने वाला है कि सर अंत्य क्या होगा, बात समझते हैं कि अंत मिस बीच में हो गया, लेकिन लिखा हुआ है अंत्य, अंत्य माने इंड, अंत्य माने इंड, यानी ये फलक से ये फलक इंड कर गया, ये फलक से ये फलक अंत्य है या इंड कर गया, ये फलक से ये फलक अंत्य यानी इंड कर गया। फोर पॉइंट, फोर पॉइंट में है षटकोणीय यानी हेक्सागोनल। इसमें ए बराबर बी होगा, लेकिन बी डज नॉट इक्वल टू सी होगा, यानी बी बराबर सी नहीं होगा। इसमें देखते हैं अच्छे कोण, अल्फा और बीटा का मान कितना होगा? 90 डिग्री,
ये गामा का कितना होगा, गामा का मान होगा 120 डिग्री। देखते हैं इसमें विविधताएं, तो सिर्फ आता है आध, आध मींस कोना, आध मींस कोना। फाइव नंबर में है त्रि सम नताच, त्रि माने तीन, सम माने बराबर, नताच यानी ए बराबर बी बराबर सी होगा, यानी अच्छी दूरी यानी कोर लंबाई में ए बी सी आपस क्या होगा, बराबर होगा। अब देखते हैं अच्छी कोण में अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा होगा, लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। विविधताएं हैं आध, सिर्फ कोना पर, कहां रहेगा कोना पर। सिक्स पॉइंट एकांताच, एक माने एक, नताच यानी मोनोक्लिनिक यानी एक, देखो ना जी यानी ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, यानी कोई बराबर नहीं होगा। लेकिन यहां पर देखते हैं अच्छे कोण में कि अल्फा गामा का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा, लेकिन बीटा का मान 90 डिग्री बराबर नहीं होगा। ये देखते हैं विविधताएं, तो इसमें आएगा आध और आएगा अंतः केंद्र, आध मीन्स कोना पर, अंतः केंद्र मीन्स बीच में, सेंटर में, बड़ी में। सबसे लास्ट पॉइंट सेवन पॉइंट त्रि नताच, त्रि मतलब तीन, ट्राइक्लिनिक यानी ए बराबर बी बराबर कोई बराबर, यानी ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, यानी कोई बराबर नहीं होगा। लेकिन यहां देखते हैं कि अल्फा बराबर बीटा नहीं होगा, बीटा बराबर गामा नहीं होगा, बराबर में नहीं होगा 90 डिग्री। इसमें आता है विविधता में आता है आध, क्या आता है आध। अब कोई कहेगा कि सर आखिर में इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये याद करना है, सात पॉइंट है, हमको उम्मीद है कि आप इसे याद कर ही लीजिएगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है थोड़ा देख लेते हैं। तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन लिखा रहेगा कि बताओ जी कि एकांताच क्रिस्टल तंत्र में कोर लंबाई क्या होगा, यानी पूछेगा एकांताच क्रिस्टल तंत्र में कोर लंबाई क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा ए बराबर बी बराबर में सी नहीं रहेगा, बी नंबर में रहेगा ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी रहेगा, सी नंबर में रहेगा ए बराबर बी, बस डी नंबर में रहेगा आपको ए बराबर बी बराबर सी। तो आप कौन मारिएगा, आराम से आंख मूंदिएगा, ए बराबर बी बराबर सी, सॉरी ये नहीं होगा, कौन सा होगा ये वाला होगा बी नंबर में, कि एकांताच ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, ये वाला हो जाएगा बी नंबर आंसर। आराम से ध्यान देकर पढ़िएगा तो आपको याद रहेगा कंफर्म। इसमें तीन पॉइंट और लिखा जा रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमेशा पूछता है, आपको पूछेगा यहां पर तीन पॉइंट है कि बताओ जी क्रिस्टल प्रणाली का प्रकार कितना होता है, प्रणाली का कितने प्रकार होते हैं, तो बोलेंगे सात। कितने प्रकार के, सात, जितना भी सात गो है सब क्या है, क्रिस्टल प्रणाली है। क्या है, पहला है घनीय सिंपल क्यूब, सेकेंड क्या है द्विव समलंबाच है, थर्ड क्या है विषम लंबाच है। देखो द्विव समलंबाच, द्विव माने दो ना, सम माने बराबर, लंब माने लंबाई, यानी दो लंबाई बराबर रहेगा, और थर्ड क्या है विषम लंबाच है, यानी विषम माने एक ही बराबर नहीं, विषम माने बराबर कोई नहीं रहेगा, लंबाई यानी कोई बराबर नहीं रहेगा, विषम लंबाच है। और फोर में है षटकोणीय, फोर में क्या है षटकोणीय है, नाम है षटकोणीय यानी हेक्सागोनल षटकोणीय। और फाइव में आपको है त्रि समनताच है, त्रि सम नताच है, और सिक्स में है एकांताच, और सेवन में है त्रि नताच है। ठीक है, यदि आप लोग इतना समझ गए हैं तो इसमें हो गया पहला पॉइंट क्रिस्टल प्रणाली का पका कितना, सात ना, और आप लोग का सेकेंड पॉइंट है कि क्रिस्टल प्रणाली का विविधताएं कितना होता है, यानी कहने का अर्थ हुआ कि जितना भी सात को था क्रिस्टल तंत्र उसमें टोटल कितना होगा विविधताएं, तो ये होता है 14 यानी 14। एक और पॉइंट है जो ये सब पूरा दिए हैं, सात पॉइंट में डिवाइड किए हैं, उनका नाम है ब्रेबे, उनका नाम क्या है ब्रेबे। ऐसा उठता है क्वेश्चन एगो कि बताओ जी ब्रेवे जालक की संख्या कितना होगा, तो बोलेंगे
14, ये हो गया तीन पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है जिससे बनता है ऑब्जेक्टिव। पहला है क्रिस्टल प्रणाली का पका कितना होता है, 7 होता है, 7 गो हम लोग देख चुके हैं बारी बारी से। सेकंड पॉइंट है क्रिस्टल प्रणाली का विविधता है कितना होता है, 14, जितना है ये होता है 14 गो। और थर्ड पॉइंट है जिनके नाम पे जो दिए थे ब्रेवे साहेब, उनका नाम है ब्रेवे, ब्रेवे जाला की संख्या कितना होता है, 14। और देखो जी उदाहरण आप लोग को एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, यहाँ उदाहरण हम लिखे नहीं है लेकिन आप एग्जाम्पल इंसर्ट बुक में दिया गया वहां से आप समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि एक एकक सेल में परमाणुओं अणुओं या आयनों की संख्या, यानी कहने का अर्थ कि जो घन लेते हैं ना, घन को हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं यूनिट सेल, यानी एकक सेल बोलते हैं। अब उसमें बताना है, लेकिन यहाँ बोर्ड पर लिख दिए ऑलरेडी हम लिख दिए हैं कि एक एक सेल में परमाणुओं अणु या आयनों की संख्या बताना है। इसमें जालक स्थल हो गया, संख्या हो गया, कण कितना साझा करेगा और कुल कण की संख्या हो गया। देखते हैं फर्स्ट नंबर आता है कोना यानी कॉर्नर, कॉर्नर। अब ध्यान देना जी, संख्या कोना क्या होता है बताओ जी, घन में कितने कोना होता है, यानी यूनिट सेल में कोना की संख्या कितना होता है, गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने कोना, 8 कोना, कितने कोना, 8 कोना। अब बताबो कह रहा है कि कण साझा करना, यानी कण कितना साझा करेगा, कहने का अर्थ हुआ कि घन के एक कोना पे हम लाएंगे परमाणु को, किसको लाएंगे हम, परमाणु को। यहां देखो ध्यान देना जी, ये हो गया एकक सेल, अभी नहीं हुआ है, अभी पारता होगा पारमिता, ये हो गया एकक सेल हो गया। अब बताबो ये कोना है, तुमको पता है कि परमाणु हो अणु या आयन हो उसका होता है आकार गोलाकार, परमाणु का जो आकार है कैसा होता है, गोला होता है, गोलाकार होता है। अब देखो यहां एक एक कोना है, यहां पे क्या लाए हम, हम लाए हैं परमाणु। अब देखना है कि परमाणु का कितना भाग यूनिट सेल के अंदर गया है और कितना भाग बाहर रह गया है। जब परमाणु को मिला के हम एकक सेल का निर्माण करेंगे तो बाहर निकलना नहीं ना चाहिए। अब यहां ध्यान देना जी, किताब में जा रखा जो यहां फिगर पारा गया है, यहां देखिए आप लोग कि ये बनाया गया है एकक सेल, परमाणु को काट काट कर बनाया गया है। पहले परमाणु कहां लगाया है, कोना पर, कोना में जितना अंदर भाग गया है रख लिया है और जितना बचा बाहर उसे काट के बाहर कर दिया है। तो देखा गया कि कोना पे परमाणु को लगाने पर एक परमाणु का आठवां भाग, यानी एक परमाणु का आठवां भाग परमाणु के अंदर रह जाएगा और बाकी सब बाहर कट कर निकल जाएगा। एक परमाणु का आठवां भाग, यानी ये एक कोना, ये कोना हो गया, यहां पे लाएंगे हम परमाणु को तो जितना अंदर जाएगा उसे काट रख लेना है, बाकी सबको बाहर लगा देना है। तो देखा गया कि कोना पर परमाणु को रखने पर काटने के बाद एक परमाणु का आठवां भाग अंदर रह जा रहा है, बाकी सब बाहर निकल जा रहा है। तो एक परमाणु का आठवां भाग एक कोना पर हो गया, तो कुल कण की संख्या बताबो जी, एक कोना पर एक परमाणु का 1/8 भाग रहता है, तो कितने कोना है, 8 कोना है, 8 कोना है, तो एक कोना पर 1/8 भाग, तो 8 कोना है, तो 1/8 कितना आ गया, यानी 1, यानी परमाणु में, यानी कहने का तो कि एकक सेल में कोना पर 8 कोना मिलाएंगे तब मिलेगा हमको एक परमाणु, कितना मिलेगा, एक परमाणु। क्यों मिलेगा, क्योंकि एक कोना पर एक परमाणु का आठवां भाग ही अंदर रहता है, बाकी सब बाहर निकल जाता है। आई होप कि आप लोग समझ गए बढ़िया से। देखते हैं सेकेंड नंबर आता है फलक, क्या आता है, फलक यानी फेस। आपको पता है कि फेस किसे कहते हैं, फेस यानी फलक, कितने फलक, 6 गो ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने फलक, 6। अब देखना है कि इस फलक पे, देखो ये फलक है तो इस फलक पर एक परमाणु का कितना भाग अंदर रहेगा, कितना भाग बाहर निकलेगा।
अब जरा सोचो जी, ये घर है, ये फलक है, जब परमाणु को लाएंगे हम, अरे अंदर स्पेस तो है ना, थोड़े कोना है कि एक बटे आठ भाग रहेगा, बाकी सब बाहर निकल जाएगा, नहीं ना, यहाँ पर पूरा चौरा है, अच्छा खासा स्पेस भी है। जब परमाणु को हम लाएंगे तब परमाणु का आधा भाग अंदर आएगा और आधा भाग बाहर निकल जाएगा, यानी फलक पर एक परमाणु का हाफ भाग अंदर रहेगा और हाफ भाग कट कर बाहर निकाल लेंगे हम। अब बताना है कुल कण की संख्या, छह को फलक है, एक फलक पे एक बटा दो भाग, छह फलक है, छह गुना एक बटा दो कितना आ जाएगा, तीन, यानी छह को फलक मिला के किसमें, एक एक सेल में कितना कण आएगा, तीन कण आएगा। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, अंतः केंद्र, थर्ड पॉइंट अंतः केंद्र, अंतः मीन्स अंता मीन्स यानी बॉडी, बताओ जी बॉडी मीन्स अंता, अंता समझते बीच में, यानी ये घन है, यदि ये घर घन मान लेते हैं इसको हम, तब बीच में बताओ क्या है, अंता ना है तो कितने होगा, एक ना होगा जी, एक बीच में है, एक बीच है, एक सेंटर है, एक होगा। अब बताओ जी बीच में डालना है परमाणु को, क्या काटेंगे छाटेंगे, नहीं ना, बीच में स्पेस है, आराम से उठाओ परमाणु ला के डाल दो बीच में आराम से, कितने परमाणु बीच में आराम से आएगा, के परमाणु, एक परमाणु, कोई कुछ नहीं कटेगा, बीच में डालना डाल दिए हम, तो यहां बताना है कुल कण की संख्या, तो एक गुना एक कितना हो जाएगा, एक, फोर नंबर। अब ध्यान देना, फोर नंबर में आता है अंत्या केंद्र, यानी अंत्या केंद्रित, अंत्या केंद्रित, अब समझना कि अंत्या केंद्रित क्या है, अंत्या केंद्रित यानी इंड, इंड, अब समझना इंड क्या है, इस फलक से वो फलक इंड कर जाएगा, ये फलक से ये फलक इंड कर जाएगा, और ये फलक से ये फलक इंड कर जाएगा, ही नहीं होता, इंड बने अंत होना, अंत बने इंड, इंड होना, ये फलक से वो फलक इंड कर जाएगा, ये फलक से ये फलक इंड कर जाएगा, और ये फलक से ये फलक इंड कर जाएगा। अब बताओ जी कितने, दुए गो ना, ये फलक से वो फलक इंड कर जाएगा, दुए ना होगा, चाहे तुम ये लो चाहे ये लो चाहे अपर नीचे लो, ये तो ले सकते ना हम लोग, तो कितने, दो, जब लिए है फलक, ये फलक से वो फलक इन करेगा तो हाफे ना आएगा, कितना आएगा, हाफे आएगा, तो कुल कण की संख्या टू गुना हाफ कितना आएगा, वन। एक और बच गया है किनारा, इसी बोलते हैं कोर या किनारा बोलते हैं, इसे बोलते हैं एज, यानी किनारा एज। अब बताओ जी एज कितना, किनारा कितना होगा, एक एक सेल में किनारा कितना होगा, जोड़ लो बारह को, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह एक नीचे बारह, कितना आ जाएगा, बारह। अब बताओ जी इस किनारा पर, अब यहां देखो कॉपी है, चलो किताब लेते हैं, देखो ये किताब है, ये किनारा है, ये किनारा है, जब ये किनारा तुम्हें दिखाई दे रहा है, यहां पर लाना है परमाणु को, ये किनारा है यहां पर लाना है परमाणु को, तब परमाणु जब वहां पर लाएंगे हम, तो इन्हें कोना रोकेगा, कोना रोकेगा, कुछ फलक भी रोकेगा, पता वो, यानी उस किनारे पे जब लाए परमाणु, जब लाएंगे हम परमाणु को, तो एक परमाणु का, एक परमाणु का, एक परमाणु का चौथा भाग जब भी किनारा पे या कोई पे लाएंगे परमाणु को हम, तब बारह किनारा है तो एक किनारा पर लाएंगे परमाणु को हम, परमाणु का आकार होता है गोलाकार, जब लाएंगे हम तो एक परमाणु का चौथा भाग कट कर अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा, यूनिट सेल के अंदर आएगा, अब बाकी सब बाहर निकल जाएगा। अब बताओ जी एक किनारा पर लाएंगे हम एक कण का एक बटा चार भाग, तब बारह किनारा है, तब बारह गुना एक बटा चार कितना होगा, तीन, यानी कुल कण की संख्या कितना हो गया, तीन हो गया हम। अब यहां से हम लोग को पढ़ना है ए नंबर में अवहाज सेल, यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल, सी सी पी, एफ सी सी, बी सी सी, ये सब काम करना है। अब यहां से देखेंगे हम लोग ए नंबर में अभाज्य एकक सेल, अभाज्य एकक सेल यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल, सबसे फीका पा रहे हैं हम लोग एकक सेल का, चाय चाय क्या कर रहा है, ये फिगर हो गया एकक सेल का, देखो जी टेढ़ा पड़ेगा सीधा पार लेना, ठीक है, ये फिगर पार रहे हैं अभी,
ये फिगर हो गया, यूनिट सेल का फिगर हो गया। देखो आध या दिखाई दे, आध या अभाज, अभाज एकक सेल में परमाणु होगा सिर्फ कहाँ होगा, कोना पर, सिर्फ कहाँ होगा, कोना पर होगा। ये कोना, कोना कितने, आठ ना, कोना आठ, वो ये क्या हो गया कोना यानी कॉर्नर। यहाँ लिखेंगे हम लोग कि अभाज एकक सेल में, अभाज एकक सेल में कुल कण की संख्या, कुल कण की संख्या। देखो इसमें कण होगा सिर्फ कहाँ होगा, कोना पर, कोना कितना आठ। तुमको पता है कि एक कोना पर एक परमाणु का आठवां भाग रहता है, बाकी सब कटकर बाहर निकल जाता है। तो एक बटा आठ कितना आ गया, यानी आठों कोना मिला के बनेगा एक कण यानी एक परमाणु। अब देखते हैं बी नंबर में, बी नंबर में फलक केंद्रित घनीय है, बी नंबर में फलक केंद्रित घनीय है, यानी बोलेंगे फेस सेंटर क्यू, इसे बोलेंगे शॉर्ट में एफ सी सी, इसे बोलते हैं एफ सी सी। बुक लिखता है एफ सी सी, तो आप लोग समझ जाइएगा कि फलक केंद्रित घनीय यानी फेस सेंटर क्यू। फिगर पारेंगे हम लोग एकक सेल का, ये फिगर हो गया एकक सेल का। अब ध्यान देना इसमें आ रहा है फलक केंद्रित घनीय यानी फेस सेंटर क्यू, यानी फलक ना, अरे कोना तो ऐवे करेगा और साथ में क्या आएगा, फलक, साथ में क्या आएगा, फलक आएगा। ये हो गया कोना, क्या हो गया कोना यानी कॉर्नर, और क्या आएगा फलक ना, के फलक है तो एक फलक, दो फलक, तीन फलक, चार, एक पांच, एक छह फलक, ये क्या है फलक है, क्या है फलक यानी फेस है। अब यहाँ बताना है एफ सी सी में, यहाँ बताना है हम लोग को एफ सी सी में, एफ सी सी में कुल कण की संख्या, कुल कण की संख्या, कुल कण की एफ सी सी में कुल कण की संख्या, कुल कण की संख्या। ध्यान देना जी, जब भी हम बोलेंगे एफ सी सी, अरे फलक तो ऐवे करेगा, एक कोना उसे पक्का, कोना पक्का रहेगा, तो कोना कितना आठ, तो आठ गुना एक बटा आठ प्लस फलक कितना छ। अब पहले हम बताए हैं कि फलक होता है छह गो, अब फलक में लाएंगे हम परमाणु को तो एक परमाणु का हाफ भाग अंदर आएगा, बाकी सब बाहर निकल जाएगा, तो एक बटा दो यानी कितना जाएगा, एक कटेगा तो एक आएगा प्लस में द्वितीय आई छ, कितना आएगा चार, कोना आठ तो आठ गुना एक बटे आठ है प्लस फलक छ, तो एक फलक में एक परमाणु का दूसरा भाग रहता है बाकी सब बाहर निकलता है, छह फलक है तो छह गुना एक दो कितना आ गया एक तीन एक चार, यानी एफ सी सी में कुल कण की संख्या कितना आ गया चार। अब सी नंबर में है, सी नंबर में हम लोग पढ़ना है बी सी सी के बारे में, यानी अंतः केंद्रित घनीय यानी बॉडी सेंटर क्यू, यानी बोलेंगे अंत केंद्रित, अंत केंद्रित घनीय, इसे हम बोलते शॉर्ट में बी सी सी, यानी बोलेंगे हम लोग बॉडी सेंटर क्यू। इधर हम फिगर पाते हैं, ये फिगर पा रहे हैं एक यूनिट सेल का फिगर पा रहे हैं हम लोग, ये फिगर हो गया, इसे कोना तो अवे करेगा, कोना पक्का आएगा, कोना आ गया आठ, कोना होता है कोना यानी कॉर्नर। ये हो गया अंत यानी बॉडी, इसे बोलते हैं अंत यानी बॉडी बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं
बॉडी बोलते हैं। अब यहां लिखेंगे हम लोग बी सी सी में कुल कण की संख्या, कुल कण की संख्या कितना हो जाएगा, कोना आठ गो एक बटे आठ भाग प्लस बॉडी ए गो, अब बीच में तो एक डाल दो तो हो जाएगा एक प्लस में एक कितना आ गया दो, यानी बी सी सी में कुल कण की संख्या कितना हो गया दो हो गया है। अब देखेंगे डी नंबर में अंत्या केंद्रित घनीय, अंत्या केंद्रित घनीय डी नंबर में, अंत्या केंद्रित घनीय यानी बोलेंगे एंड सेंटर क्यू। अब कहेगा सर जैसे आप लिखे हैं एफ सी सी बी सी सी वैसे आप कर दीजिए ई सी सी, लेकिन बुक लिखता नहीं है इसलिए हम लोग भी नहीं लिखेंगे। फिगर पारेंगे एक एक सेल का, ये फिगर हो गया यूनिट सेल का हो गया फिगर। अब देखो जी इंड है, कोना पक्का रहेगा, कसम खा लो कोना हटने वाला नहीं है, कोना रहेगा कसम खा लिया कि चाहे अंदर बुनी जो चीज आए हम रहेंगे तो रहेंगे। अब बात रहा इंड का तो ये फलक से ये फलक इंड करेगा और ये फलक से ये फलक इंड करेगा और अगला से पिछला इंड करेगा, ये हो गया अंत्या, अंत्या हो गया। अब बताएंगे हम लिखेंगे हम लोग कि अंत्या केंद्रित घनीय में, घनीय में कुल कण की संख्या, कुल कण की संख्या कोना रहेगा पक्का तो आठ गुना एक बट्टा आठ है, दुगो इंड दुगुना भुजा आएगा, दुगुना आएगा जी भुजा नहीं आएगा मतलब फलक आएगा, इस फलक से वो फलक दुगो आएगा। अब तुमको पता है कि एक बटा दो ही आएगा, ये हो जाएगा एक प्लस एक कितना आ जाएगा दो, कितना आ जाएगा दो, ई डी हम लोग काम कर चुके हैं। अब देखते हैं इसको पहले आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए या आप लोग अपने छाप लीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं। ई नंबर में है किनारा केंद्रित घनीय यानी कोर केंद्रित घनीय यानी एज सेंटर क्यू, हम इसको मिटा रहे हैं जी। ई नंबर में है, ई नंबर में कोर बोलो या किनारा बोलो, किनारा केंद्रित घनीय इनसे बोलेंगे हम लोग एज, एज सेंटर क्यू, एज सेंटर क्यू सबसे लगभग फिगर पारेंगे एक एक सेल का, ये फिगर हो गया यूनिट सेल का हो गया फिगर। चाहे तो बोलो बोलो तुम एक एक सेल बोलो या एक एक कोष्ठ का बोलो बात बराबर है, ये कोना हो गया कोना पक्का रहेगा, एज मिस किनारा ये हो गया किनारा है सब, है ये सब किनारा है, किनारा बारह होता किनारा जी, ये सब किनारा है, ये सब क्या है किनारा बोलो या कोर बोलो इसे बोलते हैं एज। अब ध्यान देना बोलेंगे यहाँ पर किनारा या कोर, किनारा केंद्रित घनीय में कुल कण की संख्या, कुल कण की संख्या बताना है, कोना पक्का होगा कसम खा लो, बारह किनारा है एक किनारा पर एक परमाणु का चौथा भाग रहता है, रहता है सर तो यहाँ कट के एक आएगा चढ़ते बारह तीन एक चार आएगा, यानी किनारा केंद्रित घनीय पर कुल परमाणु के यानी कुल कण की संख्या कितना आएगा, कुल कण की संख्या कितना हो जाएगा चार हो जाएगा। अब देखते हैं अगला पॉइंट एफ नंबर में घनीय निबिड़ संकुलन, घनीय निबिड़ संकुलन में
घनीय निबिड़ संकुलन, घनीय निबिड़ संकुलन यानी बोलेंगे हम लोग क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। देखो क्यूबिक मैंने घनीय, क्लोज मैंने पैक करना है, उसे क्लोज कर देना है, इसे बोलते हैं क्लोज पैकिंग। इसका फिगर हम लोग पाड़ते हैं तो कुछ ऐसा फिगर पड़ेगा, ये इसका फिगर हो गया। इससे इसको मिला दीजिए, इससे इसको, और यहां और यहां, ये कोना हो गया और ये फलक हो गया, ये हो गया फलक। यदि इसको हम सीधा करते हैं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ सीधा होके ऐसा हो जाएगा, ये कोना हो गया और ये फलक हो गया। अब देखो जी, इसे हम बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं सीसीपी बोलते हैं, यह सीसीपी है। अब ध्यान देना, जब इसको हम पलटें तो ये लग रहा है कि एफसीसी बन गया, यानी ये हो गया सीसीपी और ये हो गया एफसीसी। ये सीसीपी फिगर है, ये सीसीपी का फिगर है, इसको हम सीधा किए तो बन गया एफसीसी। और तुमको पता है कि एफसीसी में कुल कण की संख्या होता है चार, तो जितना संख्या होगा एफसीसी में उतना होगा सीसीपी में, यानी सीसीपी बराबर हो जाएगा एफसीसी। कितना कण? चार ना, कितना कण? चार हो जाएगा। अब देखते हैं स्पेशल केस में, स्पेशल एकदम स्पेशल है जी नंबर में, इसमें बोलते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी षटकोणीय निबिड़ संकुलन, यानी बोलेंगे हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल। अब सबसे बड़ा कष्ट है इसका फिगर पाड़ना, इसे शॉर्ट बोलते हैं एचसीपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एचसीपी। अब इसका फिगर पाड़ने के लिए आपको मेरे साथ काम करना होगा, वरना फिगर पाड़ने वाला नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले हम दो लाइन खींचेंगे, सुंदर सा दो लाइन खींचेंगे, टेढ़ा हुआ चलेगा, एक लाइन खींचेंगे, ये हो गया, एक और यहां लाइन खींचेंगे और एक और बाहर में लाइन खींचेंगे, सॉरी अंदर लाइन खींचेंगे, यहां पर खींचेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। अब एक बाहर में ऐसा लाइन खींचना है कि इन दोनों के बीच में आए, यहां पर खींचना है, और रुकना कहाँ है? इन दोनों के बीच में रुकना है, यहां पर भी खींचना है, बीच से रुकना है, बीच में रुक गया बीच में। अब हम यहां से ऐसे मिलाएंगे और यहां से ऐसे मिलाएंगे, यहां से हम ऐसे मिलाएंगे और यहां से हम ऐसे मिलाएंगे, यहां से ऐसे मिला दो यहां पर और यहां से ऐसे मिला दो, और यहां से ऐसे मिला दो, यहां से ऐसे मिला दो, ये बन गया एच सी पी, ये हो गया कोना। अब कोना संख्या तो बढ़ गया जी, ये कोना हो गया, उसमें कोना था आठ, वो इसमें गिन लो, तीन छ नौ तीन बारह कोना हो जाएगा, ये हो गया कोना। कोना कितना हो गया? बारह। कितना हो गया कोना? हो गया बारह को कोना हो गया, और एस सी पी में एक कोना पर एक परमाणु का छठा भाग रहता है, यानी परमाणु रखने के बाद एक परमाणु का छठा भाग कट कर अंदर जाता है और बाकी सब बाहर निकलता है। अब देखो फलक कितना हो गया, अब देखो फलक कितना हो गया, एक दो फलक, तीन फलक, चार पांच छ, एक सात, एक आठ फलक हो गया, ये क्या हो गया?
फलक, ये क्या हो गया फलक। फलक कितना हो गया आठ गो, और एक फलक पर एक परमाणु का कितना भाग, दूसरा भाग ना, ये हो गया एसीपी का कॉन्सेप्ट। अब एसीपी को बांटा गया है दो भाग में, यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को बांटा गया है दो भाग में। पहला है, पहला आप लोग को मिल जाएगा अभाज या आध, अभाज या आध। आपको पता है कि आध बोलो या बोलो अभाज, कण सिर्फ कहाँ रहेगा तो कोना पर, कण कहाँ रहेगा कोना पर रहेगा, यानी कण सिर्फ कहाँ रहेगा कोना पर, सिर्फ कण रहेगा किसमें आध या अभाज में। अब इसमें लिखेंगे हम, लिखेंगे हम लोग कि एसीपी में कुल कण की संख्या, कुल कण की संख्या कितना कोना, बारह गो, एक बटा छः पाओ ना, कितना आ गया दो, यानी आध या अभाज में कोना पर परमाणु आएगा कण आएगा तो लिखेंगे एसीपी में कुल कण की संख्या कितना, दो ना। और इधर आ जाएगा गैर अभाज, इसे हम बोलते हैं गैर अभाज, इसे हम बोलेंगे इंग्लिश में प्रिमिटिव, ऐसे हम बोलेंगे नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में कोना और फलक दोनों आएगा, कोना और फलक दोनों आएगा। इसमें कोना और फलक दोनों आएगा। अब ध्यान देना, कोना भी आया है और फेस भी आया है। लिखेंगे हम लोग कि एसीपी में कुल कण की संख्या, कुल कण की संख्या कितना होगा। देखो जी, इसमें है 12 कोना और एक बटा छ प्लस में, इसमें है 8 फलक और एक बटा दो, छ दूना 12 और दो चौका 8, कितना हो गया 6। यानी आध या आवाज में कुल कण की संख्या कितना, दो। गैर अभाज में कुल कण की संख्या 6। आज का क्लास हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। जो भी बिहार बोर्ड के छात्र छात्राएं जो भी हैं उनको आप वीडियो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपको हम रोज मिलेंगे, आपको एवरीडे आपको वीडियो ये आपको पहुँच जाएगा यूट्यूब पर, आप लोग देखिए और अच्छे से बोर्ड का एग्जाम भी दीजिएगा। क्या जितना भी आपको हम पढ़ा रहे हैं सिर्फ एनसीईआरटी बुक सोल्यूशन है, इससे फालतू कुछ भी नहीं है। आप जो पढ़ा रहे हैं हम, आप एनसीईआरटी बुक में पूरा आपको मिल जाएगा, आपको चाहे वो बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी हो या सीबीएसई का एनसीईआरटी हो, पूरा भी मिल जाएगा वीडियो। और मेरे साथ बने रहिए, आप लोग को हम अभी पढ़ा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री और इसका पढ़ाएंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ाएंगे हम लोग। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।